हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक यूट्यूब। सो आप सभी का स्वागत है फिर से चित्रांशु डेली व्लॉग में। आज एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों बाद वॉकिंग के लिए हाईवे के पास आया हूँ। आपको मैं पाथरड़ी फाटा की तरफ लेके गया था, लेकिन वही रास्ता पाथरड़ी फाटा से अपोजिट पाथरड़ी गाँव की तरफ जाता है। तो वो कैसा दिखता है, आगे क्या क्या मिलता है, मैं आपको दिखलाता हूँ। तो ये देखिए, ये थोड़ा मॉर्निंग का व्यू है, सनराइज हो रहा है, टाइम हो रहा है 6:10 AM और मॉर्निंग के टाइम में जैसा रेगुलर रूटीनिंग के लिए निकलता हूँ। तो ये देखिए, इधर अभी बारिश आई नहीं है, थोड़े टाइम में समझ में आता है कि बारिश आ जाएगी। इधर भी MP तक बारिश हुई है, UP MP में, लेकिन अभी इधर नहीं आई है। हमने साई किरण होटल, इधर काफ़ी सारे होटल सेलिब्रेशन, इट्स अ वेरी डेवलप एरिया एक्चुअली। यहाँ एक रेस्टोरेंट है जो कि नाइट के टाइम में बहुत सही दिखता है ये, और ये रेस्टोरेंट का नाम है वाटर वाइब्स मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट। इसका आउटलेट कुछ ऐसा है। और इधर के साइड में है थोड़े अपार्टमेंट है, और थोड़ा इधर हार्डवेयर का सामान वगैरह मिलता है। और सीधा ये रास्ता जाएगा पाथरड़ी गांव की तरफ, और मैं वॉक के लिए उधर ही जा रहा हूँ। तो आप बने रहो मेरे वॉक पे, मिलता हूँ मैं आपको थोड़े और दूर जाकर। ये एक मोड़ आ गया है जहाँ पे हम त्रिमोहन स्वीट्स है, और जस्ट इसके सामने एक चाइनीज़ कॉर्नर भी है जो कि दिखने में कुछ ऐसा है, रूडीज चाइनीज़ कॉर्नर। हमने यहाँ से अभी कुछ दिन पहले ही शेजवान नूडल्स लिया था, तो वो खाने में बहुत ही टेस्टी। ये जो रास्ता है ये जाता है डायरेक्ट पाथरड़ी फाटा की तरफ। ये पांडोलीना भी हमें दिख रहा है, और ये आ गया सेल पेट्रोल पंप। यहाँ का भी एक मैंने वीडियो डाला हुआ है मेरे पिछले, तो आप अगर नए हो चैनल पे तो मेरे पिछले प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। और इधर चल रहा है सुंदरता कंस्ट, और इधर है हो रही है सनराइज। ये देखो सनराइज हो चुकी है ऑलमोस्ट, लाने के लिए मैं निकला हूँ इधर सेल पेट्रोल पंप से होते हुए। सामने का कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे भी बहुत ही बड़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है शिवालिक का। और आपको अक्सर करके मैं आपको हमेशा शनि देव मंदिर, हनुमान मंदिर लेके आता था। तो उन मंदिरों में सबसे मतलब अच्छी जगह मुझे ये टर्निंग पॉइंट ही लगती है। यहाँ से मंदिर आपको दिखेगा नहीं है, रिलायंस स्मार्ट के जस्ट सामने ये मंदिर है। पहले रिलायंस स्मार्ट देख लो आप। देखो मंदिर की आवाज भी आ रही है, आरती हो रही है। ये मंदिर, तो आप इस मंदिर पे आ सकते हो मॉर्निंग में, बहुत ही कम भीड़ रहती है और पूजा पाठ भी अच्छे से कर सकते हो। और ये रास्ता भी बहुत क्रेजी सा लगता है, आई होप आई वॉन्ट पे इधर ही चलता हूँ, बट नहीं, आपको हाईवे दिखलाना है। ये भी बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्शन हुई है, और दिस इज द सेल्फी पॉइंट। आई लव नासिक एंड सी द सनराइज ऑल्सो बिहाइंड द लास्ट नासिक, सी द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड न्यूली। एंड इधर है राजभोग थाली, ये भी बहुत चर्चित प्लेस है। अभी मेरा वॉक चालू है और आप पीछे का पूरा नज़ारा देख सकते हो। कुछ लोग रनिंग करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं मॉर्निंग में, सब चीज़।
स्टार्ट रहती है और सामने ये हाईवे देखो ऐसा स्लांट वाला, अंदर भी कंस्ट्रक्शन चालू है। ये भी नया कंस्ट्रक्शन है। सनराइज हो रहा है और ये सनराइज देखो कितना सुंदर दिख रहा है। ये है सनराइज का अच्छा सा नज़ारा और ये मैं मेरे ऊपर भी सूरज की किरणें आ रही हैं। अभी हम इनसे आगे आते गए हैं लेकिन देखिए पीछे ही है मेरे, और मैं एक्चुअली एक न्यू कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग दिखलाना चाह रहा था, एवन विस्टा बाय MSK डेवलपर। इट्स ऑल्सो लुक्स सो ऑसम। अभी सूरज की रोशनी प्रॉपर इसके ऊपर जा रही है और जस्ट इसके सामने एक नया पेट्रोल पंप और यहाँ भी एक्सरसाइज मॉर्निंग में। और ये जो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ये है एका, जो कि काफ़ी फेमस है। और ये नाम देखिए आप, यही है येलकोटवाड़ी, जो कि नासिक का बहुत ही अभी नॉन वेज और वेज के डिशेस के हिसाब से बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और हम एक दो बार जा चुके हैं उधर, वहाँ की डिशेस काफ़ी अच्छी हैं और थोड़ा ऑथेंटिक बैठने की भी जगह है। सो अभी मैं आ चुका हूँ पाथाड़ी गांव के टर्न पे, यहाँ से मैं टर्न लूँगा और ये टर्न देखिए कैसा खूबसूरत है। थोड़ा धुआं धुआं सा दिख रहा है, रीजन बिहाइंड इट कोई गाड़ी गई है अभी। ये पाथाड़ी गांव का गेट है, ये पाथाड़ी गांव का गेट है। अब इधर से मैं लेने वाला हूँ मेरे घर की तरफ टर्न, जो कि एक बिल्डिंग के जस्ट आगे है। इंद्रानगर की बस भी खड़ी हुई है, इंद्रानगर से ये जाती है तपोवन के लिए।